तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, इंडियन सिनेमा में बड़े बड़े क्लैशेस होते रहते हैं। लाइक हम 2023 पे चल लें तो इस साल हमें बहुत बड़े बड़े क्लैश देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्लैश जिस पे भाई पूरे इंडिया की नज़र रहती है या पूरे इंडियन सिनेमा की नज़र रहती है, एक बार के लिए ग्लोबल सिनेमा की भी नज़र रहती है कि भाई साउथ वर्सेस बॉलीवुड सिनेमा। क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में जो पंगा चलता है उससे या तो किसी एक को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है या तो दोनों को नुकसान होता है। और ये चीज़ हमने लियो और गणपत में देखा, जहाँ लियो को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, गणपत पूरी रद्दी की तरह बिकी है भाई, रद्दी की तरह पिटी है। लेकिन दूसरी तरफ वही चीज़ हमने डंकी और सालार के टाइम पर भी देखा, भाई दोनों को ही फायदा नहीं हुआ इस क्लैश से। जितना वो सिंगल रिलीज पे पोटेंशियल रखती हैं कमाई करने की डंकी और सालार, वो कमाई दोनों के हाथ नहीं आई। लेकिन वही चीज़ की बात जब इज्जत पे आ जाती है तो भाई साहब ना फेम सोचता है ना फाड़ू ब्लॉकबस्टर सोचता है, बस ये है कि भाई हमें पीछे कदम नहीं करना है। वही चीज़ 2024 में भी फॉरवर्ड होते नज़र आ रही है। क्योंकि एक तरफ भाई फ्लावर नहीं फायर पुष्पा है, तो दूसरी तरफ अट्टा माझी सटकली बाजीराव सिंघम, जो भाई साहब कॉप यूनिवर्स में या फिर इंडियन कॉप यूनिवर्स में नंबर वन की मूवी है। जो भाई एक पंजा जब अपना अजय देवगन एज सिंघम मारता है तो भैया टप्पा खा के हमारे जो भी विलेंस हैं वो साइड में जाके गिरते हैं। लेकिन वही पुष्पा द फ्लावर नहीं वाला फायर वाला पुष्पा जब आता है अपने रौद्र रूप में, तो भाई अच्छे अच्छे बिजनेसमैन की अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस की धज्जियाँ उड़ा देता है। और वही चीज़ पुष्पा भी कैरी आउट करते नजर आने कि भाई साहब ये झुकेगा नहीं। क्योंकि 15 अगस्त को दिखाया जा रहा है कि भाई बड़ा क्लैश होने वाला है। 15 अगस्त 2024 को पुष्पा 2 आने वाली है और सिंघम अगेन भाई वो भी 15 अगस्त को ही आने वाली है। ना पीछे रोहित शेट्टी हटने का नाम ले रहे हैं, ना पुष्पा के मेकर्स पीछे हटने का नाम ले रहे हैं। और पुष्पा भाई जिस हिसाब से लोगों के दिलों पे राज करके गई है, वो फर्स्ट पार्ट जबकि उसका उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं था, बावजूद इसके भाई जब वर्ड ऑफ माउथ ने काम किया, जब कॉन्टेंट किंग बनकर उभरा है, तो पुष्पा के मेकर्स में भाई अकड़ तो होगी होगी। जो उनका मेन डायलॉग है कि भाई झुकेगा नहीं, और वो बिल्कुल भी झुकते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन भाई दूसरी तरफ रोहित शेट्टी जो नाम से जाने, सिंघम अगर जहां नाम आता है वहां सिर्फ अजय देवगन का नाम नहीं चमकता है, रोहित शेट्टी का भी नाम चमकता है। और इस मूवी से, इस फ्रेंचाइजी से रोहित शेट्टी जो ताव में आए हैं, जो अजय देवगन ताव में आए हैं, भाई मुझे नहीं लगता है कि ये भी पीछे हटने वाले हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर कौन पीछे कदम हटा सकता है? क्योंकि भाई साहब अभी तक ये र्यूमर्स भी आ रहे थे कि क्लैश अब नहीं होगा, पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन भाई नहीं, पुष्पा 2 15 अगस्त को इन्होंने ठान लिया कि हम आने वाले हैं। सिंघम अगेन वो भी भाई सीधा खुला इशारा दे रहे हैं कि हम भी 15 अगस्त को आने वाले हैं। तो भाई दोनों में से कौन पीछे कदम हटा सकता है? क्या पुष्पा 2 के मेकर्स, क्या सिंघम के अगेन के मेकर्स? भाई मैं कहूँगा यार क्लैशेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मूवीज हैं बॉलीवुड या हिंदी मूवी में। अगर सिंघम अगेन को ले लो तो बहुत बड़ी मूवी है, और उधर से साउथ में अगर पुष्पा 2 को ले लो तो भाई साहब बहुत बड़ी मूवी है ये। क्योंकि सिंगल अगर ये रिलीज होती हैं तो यस 1000 करोड़ ठोकने का पोटेंशियल रखती हैं। लेकिन अगर क्लैश हो भी जाता है, और एक बार के लिए बात करते हैं कि भाई कौन सी मूवी फाड़ के कलेक्शन कर जाएगी, तो एक बार के लिए देख कर लग रहा है कि भाई साहब पुष्पा पे बहुत ज़्यादा फेवर है। क्योंकि जो कहानी हमने पुष्पा के फर्स्ट पार्ट पे देखी है, भाई साहब जिस हिसाब से उसने अपना एम्पायर सेट किया है और अब वो एम्पायर को वो रूल करने वाला है, तो लोगों का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन भाई सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी भी कोई कम आग नहीं मोत रहे हैं, वो भी जबरदस्त कैमियोज लाने वाले हैं या फिर स्टार उनके साथ लाने वाले। भाई दीपिका पादुकोण का नाम आते दिख रहा है। दूसरा, एनर्जी ब्लास्टर से भरे हमें रणवीर सिंह देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई कौन यहाँ पर पीछे हट सकता है? क्या ये क्लैश होना चाहिए? क्योंकि डंकी और सरार जैसी हालत भाई मैं तो नहीं चाहता, और मेरे जैसी बहुत ही न्यूट्रल ऑडियंस होगी जो बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि हम दोनों ही मूवी का मजा बहुत अच्छी तरीके से लेना चाहते हैं। भाई अगर हो भी जाता है तो आप कौन सी पहली मूवी देखोगे? और नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना कि कौन मूवी 1000 करोड़ टच करके जाने वाली है। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।